राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गोली मारने की धमकी के बाद राज्य सरकार मुस्तैद हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि जेल की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए नए उपकरण लाए जाएंगे। साथ ही पुलिस ने मुख्यमंत्री को दी गई धमकी के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जेलों में सुरक्षा और बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सीएम साहब और हम सभी एक नया मैकेनिज्म बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जिस सिरफिरे ने, जिस व्यक्ति ने फोन से माननीय मुख्यमंत्री जी की गोली से उड़ाने की बात कही थी, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार भी किया और संबंधित जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी और निश्चित रूप से अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। मैंने कहा कि जेलों में सुरक्षा की दृष्टि से और संसाधन और एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद ठोस कार्रवाई हो इसका भी निर्णय करेंगे।